और नौ गैंग रेप पीड़िता की मौत के बाद लगातार लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीड़िता के परिजनों से शनिवार को मुलाकात की और उन्हें धांडस बनवाया परिजनों ने प्रियंका गांधी को बताया कि आरोपी एक साल से उनके पूरे परिवार को प्रताड़ित कर रहे थे प्रियंका ने दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से 20 मिनट तक बातचीत की प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्नाव में जिस तरह माखी की घटना और अब दुष्कर्म पीड़िता की मौत हुई उससे साफ है कि उन्नाव में महिलाएं सुरक्षित नहीं है पीड़िता के पिता ने प्रियंका गांधी को आप सुनाई और कहा कि एक साल से परिवार पर अत्याचार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि मैंने यह भी सुना है कि दोषियों का बीजेपी से संबंध है राज्य में अपराधियों में कोई डर नहीं नहीं है प्रियंका ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में महिला और की घटनाएं बढ़ रही हैं। दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिवार को बराबर धमकी मिल रही थी लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया